नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अब नुक्कड़ सभाओं से लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा सहित अन्य सपा के दिग्गज लगातार नुक्कड़ सभा कर समाजवादी पार्टी का प्रचार कर विनय तिवारी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पटेल ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता चुनाव लड़ रही है और जनता हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज गोला गोकर्णनाथ पहुंचे और मैरिज लोन में लोगों को संबोधित किया है। बृजेश पाठक ने इलाके की भाषा में ही लोगों से बात की है और दिलों को छू लिया है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जिताने की बात कही गई है। कहा कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग कमल चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर जिताने की बात कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत से अमन गिरी चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और अन्य मंत्री भी लगातार में प्रचार कर रहे हैं। प्रचारक की सूची मैक्सिमम होती है, उनकी भी इतनी ही होगी। आपको चुनाव आयोग के नियमों की जानकारी कर लो। सपा का एक कम क्यों है? सपा का एक कम क्यों है? एक की सदस्यता समाप्त हो गई, आपको पता है सब यार। सर, आज जिस तरीके से सपा प्रत्याशी को 140 की 110 की नोटिस पर शामिल की गई है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी प्रचंड बहुमत से चुनाव यहाँ जीत रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो लॉयर है, जनता पूरी सराहना उसकी कर रही है। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर इलाज कराने गए मरीज की बाइक चोरी हो गई है और मरीज इलाज कराने CHC गया था और इस दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई और युवक ने पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के कोड़ियागंज में आबकारी के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और ये समय है से पहले ही शराब कितना बिकना शुरू हो जाता है। शराब तकरीबन 6 बजे सुबह से ही यहाँ पर बिकना शुरू हो जाता है, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। साथ ही आबकारी अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है। फिलहाल आबकारी निरीक्षक मामले की जाँच में जुट गए। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से पिता पुत्र में मारपीट हो गई और बेटे ने अपने ही पिता के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही बेटे ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर पिता पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पर जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत में बुखार से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है और आंकड़े के बीच स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए मोहल्ले वालों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए हैं और साथ ही सैकड़ों स्थानीय निवासी धरने पर बैठ गए हैं। तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और नगर पंचायत की गाड़ी तालाब के पास लगे कूड़े के ढलाव पर ही कूड़ा उठाने पहुंची। वहीं स्थानीय निवासियों ने नगर पंचायत की मिट्टी से भरी ट्रॉली को रोक लिया और जिसके बाद से मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज 12वां कैंप लगाया गया है, उसमें लगातार लोगों की जांचें की जा रही है मलेरिया और डेंगू की। लेकिन अब तक 3 या 4 मलेरिया या डेंगू के पेशेंट मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा था कि आप यहाँ का पानी खराब है। तब हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि 5 करोड़ से ये यहाँ पे टंकी गई है, ऊपर एक टैंक बनाया गया, उसको चालू करवाइए जाए। देवरिया के रामलक्षण में मौजूद अयांश अस्पताल पर ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है और जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम भेजने के साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं इसकी जानकारी जब CMO को हुई तो वो अयांश अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती मरीजों को खाली कराकर सरकारी अस्पताल भिजवाया है। अयांश अस्पताल को सील कर दिया गया है। CMO ने कहा कि टीम बनाकर जांच की जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। जैसा कि मुझे पता लगा कि जो महिला थी यहां पर
इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था, इनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारण उसकी मौत हुई है। बाकी जांच का विषय है कैसे क्या हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पर चूँकि कोई डॉक्टर या कोई उस तरह का स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ नहीं दिख रहा है, हो सकता है जन आक्रोश के कारण यहाँ से चले गए हों, तो अभी हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, इसका सस्पेंड कर देंगे। इसको सस्पेंड करते हुए इसकी जाँच जाएगी और जाँच के लिए जो एक विशेषज्ञों का एक दल बनाया जाएगा। फिरोजाबाद से खबर है जहां पर फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन न करने पर सिपाही की बेटी और बेटे पर बेटे का सर कलम करने की धमकी मिली है। आरोप है कि पीएससी के जवान की बेटी का फेसबुक पर दोस्ती किसी लड़के से हुई और जिसके बाद लड़का लगातार युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और धर्म परिवर्तन न करने पर परिवार का सर कलम करने की भी धमकी दे रहा है, जिसके बाद लड़की ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रयागराज में बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से स्कॉर्पियो टकरा गई है और मामला उतराव थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार का है। आपको बता दें कि बलीपुर की तरफ से फुलपुर की तरफ जा रही थी और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के ही टक्कर की बिजली खंभा से भट गया और वहीं घटना के बाद लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से एमआईएम के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इरफान मलिक और समाजवादी पार्टी से पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी अतीक रहमान ने बसपा का दामन थाम लिया है। दोनों बसपा अध्यक्ष मायावती से आशीर्वाद लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्रा के समक्ष बसपा के सदस्य ताली लखनऊ में बसपा के आयोजित कार्यक्रम में इरफान मलिक और अतीक रहमान बसपा में शामिल हुए। थाना देवबंद पुलिस अधिसूचना विंग और कृषि विभाग सहारनपुर की संयुक्त टीम ने ही कीटनाशक खाद्य और पोटाश बनाने की फैक्ट्री और बीज की दुकान में ही चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के एसपी देहात सूरज कुमार राय ने बताया है कि थाना देवबंद पुलिस अधिसूचना विंग और कृषि विभाग सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा कीटनाशक खाद्य और पोटाश बनाने की फैक्ट्री और बीज की दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से कीटनाशक खाद्य और पोटाश, एक कार वैन्यू और एक मोटरसाइकिल और अन्य चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। देखिए, कुछ दिनों पहले थाना देवबंद और थाना सदर बाजार क्षेत्र में दो चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की दुकान पर चोरी करके सेंध लगा के उनमें से सामान चोरी किए गए थे, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ही। इस घटना का देवबंद पुलिस, सदर बाजार पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सफल अनावरण किया है और कल इसमें दो अभियुक्त हकनवाज और काका, जिन्होंने ये दोनों चोरियां कारित की थी, वो पुलिस टीम के द्वारा पकड़े गए। उनके पास से गैस कटर, सेंध लगाने का सामान और शटर काटने का सामान मिला। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि बड़ला रोड पे उनका अपना गोदाम है जहां पे उन्होंने चोरी का सामान रखा है। हरदोई के सीएसएनपीजी कॉलेज मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव, ओवैसी और केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, जनहित के कामों पर इनका कोई ध्यान नहीं है और इन्हीं तमाम कारणों के चलते जनता ने लोगों को नकार दिया है। और आपको बता दें कि सीएएनपीजी कॉलेज मैदान में आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने वहां मौजूद लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया है और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि नशे से देश को मुक्त कराना है, इसके लिए वो तमाम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। मंत्री कौशल किशोर ने यह भी कहा कि युवाओं को नशे की लत लगाने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है और इंटरनेशनल साजिशकर्ता युवाओं को नशे की वजह से कमजोर करना चाह रहे हैं ताकि देश कमजोर हो।
गुजरात में होने के बावजूद भी लोग शराब के नशे से वजह से मर रहे हैं। केवल शराबबंदी पे नहीं है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, कोकीन है, अफीम है, ड्रग्स है, गांजा है, इनके ठेके नहीं होते फिर भी लोग सबसे ज्यादा यही ले रहे हैं। हमारा आंदोलन है जहर की कोई दुकानें नहीं है, फिर इसलिए कि जहर के कस्टमर नहीं, जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो निश्चित तरीके से अपने आप नशे की दुकानें बंद रहेंगी। 1977 से 1980 तक पूरे देश में शराब की दुकानें बंद रही, उस पीरियड में लोगों ने शराब की जगह लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू किया, नींद की गोलियां खाना शुरू किया, कोरेस की दवा पीने लगे, यहाँ तक कि ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाने लगे। इसलिए जब नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां जो नशा नहीं करते हैं उनको नशे से बचाने के लिए नशे की दुनिया में नहीं जाने देना है। गोंडा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की नशीली दवाइयों को कारोबार करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गैंग के सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी ग्राहकों से संपर्क कर अपना अवैध कारोबार करते थे। साथ ही ये गैंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम में भी प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से प्रतिबंधित नशीली दवा, कार, लैपटॉप और इसके साथ ही हार्ड डिस्क और 4 ATM कार्ड और नकदी भी बरामद किया है। अलीगढ़ इलाका बंटवारे को लेकर किन्नरों के 2 गुटों ने जमकर बवाल किया है और पुलिस की मौजूदगी में रोड जाम कर अधनंगन होकर ही कई दर्जन दिग्गज किन्नरों ने ही प्रदर्शन किया है। हिंदू किन्नरों का आरोप है कि मुस्लिम किन्नर हमसे धर्म परिवर्तन कर दे और गोश्त खाने को बोलते हैं। इसको लेकर ही किन्नरों ने दोनों पक्ष थाने पहुंचे हैं और घायल किन्नरों को पुलिस ने मलखान सिंह हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों गुटों के एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हमारा विवाद ये है कि हमारे 50 साल से हमारे बुजुर्गों, हमारी पंचायत के जैसे गांव की पंचायत होती है ऐसी पंचायत हम किन्नरों में होती है। पूरे हिंदुस्तान का किन्नर आके, कम्युनिटी आके उस चीज का एक एक जैसे एरिया का वो विवाद होता है उस चीज का आके फैसला करता है। वो फैसला दो किन्नर समूहों के बीच में इस बात के लेके विवाद हुआ था कि इसमें एक किन्नर समूह का कहना था कि हमारा क्षेत्र है, दूसरे किन्नर समूह का कहना था कि वो उसका क्षेत्र है। इसमें इनके कागजात को चेक किए गए, इनके पंचायत द्वारा जो क्षेत्र निर्धारित किया गया उनके अनुसार जो उसके साथ जो मारपीट थी उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।